हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, यहाँ पर जो है अगर आप एक जो है पोको M2 प्रो के यूज़र है तो आपके लिए जो है गुड न्यूज़ निकल के सामने आ जाती है। गाइज अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर जो है MIUI वर्जन 12.0.2.0 का जो है पोको यूज़र्स के लिए जो है यहाँ पर जो है अपडेट जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो है मैं टेलीग्राम पे जस्ट आया तो यहाँ पर जो है मुझे जो है देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है MIUI वर्जन 12.0.2.0 का जो है यहाँ पर स्टेबल अपडेट जो है यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। 356 MB जो है इसकी साइज देखने को मिल जाती है। और गाइज यहाँ पर जो है बात करें इसमें क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइजेशन किया है आपको जो है इसमें सिक्योरिटी पैच जो है आप लोगों को नवंबर 2020 का देखने को मिल जाता है। और गाइज इसमें जो और एक आप लोगों को बात इसमें जो ऐड की गई है वो जो है आप लोगों को मैं बता दूँ, तो यहाँ पर जो है गाइज जो है आप लोगों को पहले जो है अब लैंडस्केप पर जो है आपका कंट्रोल सेंटर जो अच्छे से वर्क नहीं करता था, यानी कि जो है कुछ इस तरीके का लुक आप लोगों को देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है देख सकते हैं पूरा जो है लैंडस्केप में जो ये कंट्रोल सेंटर जो अब वर्क करेगा। इस अपडेट के साथ जो है ये हमें जो है एक नया जो है फीचर देखने को मिल जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप। यहाँ पर जो है आप जो है अभी सब कुछ जो है यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पहले जो आप लोगों को एक बॉटम में जो है लाइन देखने को मिल जाती थी उसको जो है स्वाइप करके जो आप कर सकते थे, लेकिन अब जो है देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर डायरेक्टली जो है इस अपडेट के बाद से जो है सब कुछ जो है ऐसे फीचर जो है देखने को मिल जाएगी जो कि आप जो है लैंडस्केप में भी जो है कंट्रोल सेंटर को यूज़ कर सकते हैं। और भी गाइज आप लोगों को अब तक जो है अपडेट नहीं मिला तो ये जो है अपडेट आपको बहुत ही जल्द आपके फ़ोन में जो है देखने को मिलने वाला है। अगर आप जो है इंतज़ार नहीं कर सकते तो मैं जो है जैसे ही मेरे पास जो है कोई इसकी OTA लिंक आ जाती है OTA फाइल की तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो OTA फाइल की लिंक आ जाने के बाद आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप किस तरीके से जो उसे अपने फ़ोन में जो है फ्लैश कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं OTA लिंक से। तो आप लोगों को सिंपली जो है सेटिंग में जाकर जो है आप लोगों को जाना है अपने अबाउट फोन के सेक्शन में, और यहाँ पर जो है आप लोगों को जाकर आपके जो भी लोगो होगा उस पर जो आपको टैप करना है 5-6 बारी, जब तक जो है यहाँ पर जो एडिशनल अपडेट फीचर आर ऑन का ऐसा ऑप्शन नहीं आता तब तक। और उसके बाद जो आपको इस पर क्लिक करना है 3 डॉट पे, और यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज पर क्लिक करके जो है आप लोगों को अपनी फाइल जो है सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपने OTA फाइल डाउनलोड की है उसे सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना है। गाइज यहाँ पर जो आपके कम से कम जो 50% जो है बैटरी यहाँ पर होनी चाहिए और आपका जो है इंटरनेट जो है कनेक्शन ऑन होना चाहिए तभी जो ये पॉसिबल है गाइज। तो आप जो इस तरीके से भी अपने फ़ोन में जो है MIUI वर्जन 12.0.2.0 का जो है अपडेट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि एक स्टेबिलिटी के खातिर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और सिस्टम मतलब यहाँ पर जो है सिस्टम सिक्योरिटी पैच जो है इसको जो है नवंबर का कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा Xiaomi हर बार जो है अगर दिसंबर चालू होगा तो नवंबर का आप लोगों को सिक्योरिटी पैच जो है प्रोवाइड करता है, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलता है। तो गाइज अगर आप जो है पोको M2 प्रो यूज़ करते हैं तो ज़रूर से आप अपने सेटिंग में जाकर जो अपडेटर ऐप्स के चेक कर सकते हैं कि आपको अपडेट देखने को मिला है या फिर नहीं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।